जी हाँ बिल्कुल ठीक ही पढ़ा। क्या आपका वर्ड भी नहीं आया? वैसे तो मेरा वर्ड नहीं आया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है। मेरा वर्ड नहीं आया है, साथ ही साथ मतदाता सूची यानी कि जो लिस्ट अपलोड की गई है इनके पोर्टल पर, वहाँ पर भी मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों का नाम काट दिया गया है। ये जानकारी मुझे कैसे प्राप्त हुई? दरअसल मेरे घर पर मेरा वोट नहीं आया, मेरे परिवार का वोट नहीं आया, तो मैंने इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर देखा, जो कि लिस्ट अपलोडेड की गई थी उसमें मेरे मकान नंबर 140 के अकॉर्डिंग मेरे मकान में लगभग 14 सदस्य हैं, जिसमें सिर्फ 7 ही लोगों के लोग नाम आए हैं। अब जब वो नाम नहीं आए हैं तो मैंने इसकी जानकारी प्राप्त की। जानकारी मैं तहसील लेने गया तो वहाँ पर मुझे BLO का नंबर मिला। BLO से मैंने संपर्क किया, BLO ने मुझे बताया कि साहब हम जो हैं पुरानी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही इस लिस्ट को अपडेट करते हैं, बस हम उन लोगों का नाम ऐड करते हैं जो लोग 18 वर्ष में आए हैं, उन लोगों का नाम हम ऐड करते हैं, और जो लोग विवाहित होकर मतलब नई लोगों का विवाह हुआ है और उनके घर में बहू आई है, तो उन लोगों के नाम को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। नाम का किसी का करेक्शन नहीं किया जाता है और ना ही किसी को काटा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि मेरे घर के सदस्यों के नाम काटे कैसे गए? तो ये जानकारी मुझे कहाँ से प्राप्त हुई? यह जानकारी आप भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या आपका वोट वाकई में नहीं आया है, या सिर्फ वोट के स्लिप नहीं आई है, या फिर मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं। वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि मुझे ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई। हर एक वार्ड में अलग अलग BLO हैं, अलग अलग एरियाज बना दिए गए हैं। मैंने वहाँ अपने वार्ड से, वार्ड नंबर 27 में जितने भी BLO थे उन लोगों से संपर्क किया, तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एक BLO कहते हैं कि मैंने एक रजिस्टर मेंटेन किया है और इस रजिस्टर में सभी सदस्यों के नाम लिखे हैं जो मुझे एरिया दिया गया था। मैंने वो रजिस्टर चेक किया और जो लिस्ट अपलोडेड है पोर्टल पर, वो रजिस्टर और वो लिस्ट हूबहू सेम टू सेम यानी कि अपडेट की गई है पोर्टल पर। जो क्रम संख्या उनके रजिस्टर पर मेंशन है वही क्रम संख्या इस लिस्ट में मेंशन है, लेकिन उसके अंदर भी कमी पाई मैंने। उनके पास जो लिस्ट है उसमें उनके रजिस्टर पर जो मेंशन थे लगभग 545 नाम मेंशन थे उनके रजिस्टर पर, और जो लिस्ट मैंने डाउनलोड की थी उसमें सिर्फ 530 ही नाम वहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी कि नीचे के 15 नाम गायब थे। मैंने एक एक नाम चेक किया उनके रजिस्टर से और लिस्ट में, तो सेम टू सेम, सेम पोजिशन पर, सेम क्रम संख्या पर जो नाम उन्होंने अपने पेन से लिख रखा था रजिस्टर पर, वही नाम वहाँ पर मैंशन किया गया था। तो यानी कि या तो तहसील से वो नाम उनके गायब हुए, उसी तरह से हो सकता है हमारे नाम भी तहसील से या फिर BLO द्वारा डिटेल्स वहाँ तक नहीं पहुँचाई गई है। तो ये जानकारी आप अपने आप भी ले सकते हैं कि भाई हमारे वोट किस वजह से नहीं आया है, या ये BLO की कमी थी, या तहसीलदार के पास जहाँ पर जो लिस्ट जाती है वहाँ पर जो भी डेटा एंट्री करने वाला है उसकी वजह से कोई कमी हुई है, तो वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक है। मत का अधिकार तो सभी को है, चाहे वो चेयरमैन का हो या फिर लोकसभा या विधानसभा का हो, नगर निकाय का, किसी भी इलेक्शन में आपका अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि कोई भी अपनी डिटेल्स किस तरह से प्राप्त कर सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कोई भी अपनी लिस्ट यानी कि जो लिस्ट दी गई है वार्ड नंबर वाइज, वो जानकारी आप अपने लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपके लिस्ट में नाम है या नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा वोट नहीं आया है, लेकिन हम जो लोग बोलते हैं हम भाषा में कि बस्ता लगे होते हैं इलेक्शन जहाँ पर वोटिंग होती होती है उससे जस्ट पहले, तो वहाँ पर हम अपना वोट बनवा कर डाल देंगे, लेकिन अगर आपका लिस्ट में ही नाम नहीं है तो आप वोट कैसे डालेंगे? क्योंकि मैंने तहसील में कल अच्छा खासा टाइम दिया, वहाँ पर मुझे पता चला कि अब आपका वोट नहीं डाला जा सकता है क्योंकि लिस्ट में ही नाम नहीं है और लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, अब वो वापस नहीं आएंगी। जिन लोगों के वोट नहीं आए वो अपनी इस लिस्ट में चेक करें कि एक्चुअल में वोट नहीं आए हैं या फिर लिस्ट से ही नाम आपका गायब है। तो किस तरह से चेक करना है, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये आपको मिलेगा। यहाँ पर इसका वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे दूंगा, आप सिंगल क्लिक पर उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है। साथ ही साथ अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपने BLO से भी संपर्क कर सकते हैं, BLO के संपर्क डिटेल भी सारी इस पोर्टल पर पड़ी हुई। तो चलिए चलते हैं अपनी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप वगैरह पर गूगल पर सर्च करना है निकाय चुनाव UP वोटर लिस्ट। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये नजर आएगा, यहाँ पर इसकी वेबसाइट है sec.up.nic.in, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाइट सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको जैसे जैसे चीजें पूछ रहा है वैसे वैसे आपको दे देना है। निकाय का प्रकार क्या है, आप किस जगह पर रहते हैं, आपका नगर निगम लगता है, नगर पालिका या नगर पंचायत, नगर पालिका लगता है, हमने यहाँ पर अपना नगर पालिका चूज कर लिया है। उसके बाद आपसे पूछता है आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो जिला आप यहाँ पर अपना चूज कर लेंगे, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं, मैं रामपुर से हूँ तो रामपुर मैंने यहाँ चूज कर लिया है। उसके बाद निकाय का नाम पूछ रहा है, निकाय का नाम यानी कि आपका नगर पंचायत है या नगर पालिका है, तो आप यहाँ पर रामपुर चूज कर रहा हूँ, मैं नगर पालिका है हमारा रामपुर से ही हूँ। उसके बाद वार्ड नंबर पूछ रहा है आपसे, आप किस वार्ड से हैं, यहाँ पर आपके सारे वार्ड खुलकर आ चुके हैं, यहाँ पर 43 वार्ड हैं, मेरा वार्ड नंबर 27 है कटरा जलालुद्दीन, मैंने यहाँ ये चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपसे ये वार्ड कैप्चर पूछ रहा है, ये आप डाल दीजिएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ ये जैसे ही आप डालेंगे सबमिट कर दें आप इसे। सबमिट करने के बाद आपसे ये मोबाइल नंबर मांगेगा, आपके मोबाइल नंबर किसी का भी नंबर डाल सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर डालकर आप OTP जनरेट कर लेंगे। जैसे ही आप OTP करेंगे तो OTP मैं देख लेता हूँ रिसीव हुआ या नहीं हुआ। जी मेरे पास OTP आ गया है और अब मैं OTP डाल रहा हूँ।
ये ओटीपी डालते ही मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि किस चीज की डिटेल्स मुझे चाहिए। यहाँ पर डाउनलोड मदर पीडीएफ है, सप्लीमेंट्री पीडीएफ है, और अगर और कोई लिस्ट आप चेक करना चाहते हैं वो है, और सप्लीमेंट्री लिस्ट 2 है। लिस्ट जो है वो डाउनलोड मदर पीडीएफ में ही मिलेगी आपको। आप खोलेंगे तो इस तरह से ये आपकी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। वार्ड नंबर 27 कटर जलालुद्दीन, जिला रामपुर, निकाय चुनाव रामपुर का है। भाग संख्या 188, अलग अलग भाग संख्या है वार्ड नंबर में, ध्यान रखिएगा कि आपका भाग संख्या कौन सा है। और एक वार्ड में काफी सारे मोहल्ले हैं, ये किसका है यहाँ पर पूरी डिटेल में बता देता हूँ। मतदान केंद्र जो है खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज है, मतदान स्थल 188 राष्ट्रीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज, कक्ष संख्या 1। ये पूरी डिटेल उस मोहल्ले की, यानी कि इमली इस्मत खां की है, ये ठोटर मोहल्ले की पूरी डिटेल है। इसमें बाकी मोहल्ले भी एड है जो जो वार्ड नंबर 27 में आते हैं, ये ठोटर की डिटेल हो गई। इसके बाद इसी तरह से आप अगला मोहल्ला चेक करेंगे, ये गुया तालाब आ गया, इसके बाद इमली इस्मत खां आ गए, शिपियान मोहल्ला। इसी तरह से आप अपने मोहल्ले का सर्च करेंगे। मेरा जो है कटरा जलालुद्दीन पेज नंबर 41 पर है, जो कि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, ये आ गया। यहाँ से हमारा भाग संख्या 192 और कटरा जलालुद्दीन घेर अली खान है, ठीक है। यहाँ पर ये मतदान केंद्र वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ मुझे प्राप्त हो रही हैं। अब ये जो है आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपका वोट कहाँ पर होगा, आपको अपना मकान संख्या यदि याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड पर अपने मकान संख्या चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये मकान संख्या लिखी हुई है, यहाँ आपका नाम, यहाँ आपके पिता का नाम, और यहाँ आपका लिंग, आप पुरुष हैं या महिला, और आपकी आयु, यहाँ सारी डिटेल्स मेंशन है। तो अब मैंने अपने मकान संख्या के अनुसार जब चेक किया तो मुझे प्राप्त हुआ कि साहब मेरे घर के वोट मिसिंग है। ये मेरा परिवार है पूरा मकान संख्या 144 के अंदर। यहाँ पर मेरे पिताजी के नाम के अलावा बाकी मेरा और मेरे दो भाइयों का, मेरे माता जी का नाम मिसिंग है, इसलिए मुझे यहाँ से ये डिटेल प्राप्त हुई। अब ये लिस्ट में जब तहसील लेकर गया तो वहाँ मुझे बताया गया कि अब इस लिस्ट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग इसमें हैं कि साहब हमारा वोट नहीं आया है लेकिन हम वोट बनवाकर चले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अपने बीएलओ से ही संपर्क करना पड़ेगा, बीएलओ ही आपकी जानकारी प्राप्त पूरी देगा कि साहब ऐसा क्यों हुआ, आपके नाम क्यों काटे गए हैं, ये मेरी गलती थी या फिर तहसील में किसी ने गलती की है। तो इसको संज्ञान में लें, और इस वीडियो से या फिर आपके संज्ञान से लेने से ये पता चलेगा कि हर एक वार्ड से कितने वोट काटे गए हैं। अगर एक वार्ड से अगर 100 वोट भी काटे गए हैं तो यानी कि 4600 वोट रामपुर से काटे जा चुके होंगे। क्यों काटे हैं इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। और इससे यह भी पता चल जाएगा कि किस मोहल्ले से वोटों की संख्या में कमी आई है। तो अच्छा, इसमें साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप वन बाय वन अपना वोट भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपना वोट सर्च करना है वो किस तरह से करेंगे, आप अपना जनपद चूज करेंगे, यहाँ पर कौन से जनपद से हैं, आप रामपुर से हैं, रामपुर आपने चूज कर लिया, नगर पालिका परिषद आपने चूज कर लिया, निकाय का नाम आपका रामपुर है, वार्ड संख्या आपकी क्या है 27 है, और अगर आपके पास मतदाता का नाम है एक्चुअल में तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, पिता का नाम डाल सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मकान संख्या डालकर भी सर्च कर सकते हैं कि इस मकान संख्या पर कितने वार्ड अलॉट किए गए हैं। यहाँ पर अब 140 में देखिए मेरे सिरदार भाई का नाम यहाँ आ गया है, ये आसिम खान, ये दूसरे वाले मोहल्ले का है। लेकिन अब वार्ड नंबर 27 में मैंने जैसे कि बताया था कि अलग अलग मोहल्ले भी हैं, तो उस हिसाब से भी आपको दिखेगा ये, क्योंकि एक मोहल्ले में 144 नंबर की मकान संख्या तो अलग हो सकती है ना। मकान संख्या के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि किस चीज का यहाँ पर है। यहाँ पर जो मेरे लोगों के नाम है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मेरा नाम मेंशन नहीं हुआ, ना ही मेरे भाइयों का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं अपना मकान संख्या डालकर। दूसरा, बीएलओ की जानकारी अगर आपको चाहिए तो बीएलओ की जानकारी भी आपको प्राप्त यहाँ से हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपना बीएलओ किस तरह से सर्च कर सकते हैं, कंप्लेंट किस तरह से सर्च कर सकते हैं, दे सकते हैं उनको, उनका संपर्क नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है वाटर सर्विस सर्च बीएलओ सुपरवाइजर इलेक्शन लाइव, जो भी सारी डिटेल्स मिल सकती है आपको, रिजल्ट भी देख सकते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा वो भी नजर आ जाएगा, इलेक्शन नॉमिनेशन सारी चीजें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी बीएलओ सर्च करना है क्योंकि मुझे उससे कंप्लेंट करनी है कि मेरा वोट नहीं आया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये नगर निकाय वालों का है और उसके जस्ट नीचे नगर पंचायत वालों के लिए भी है, ठीक है। ये नगर पालिका वालों के लिए है और ये नगर पंचायत वालों के लिए है। तो यहाँ पर मैं जनपद चूज करूंगा, अपना जनपद चूज कर लिया है मैंने। यहाँ पर नगर पालिका परिषद है हमारा, यहाँ पर रामपुर है, और वार्ड संख्या फिर से चूज करूंगा कि भाई मेरे वार्ड में कौन कौन है 27 में, मतदाता स्थल। अब यहाँ जहाँ जहाँ जो वोटिंग स्थल है आपके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने बीएलओ बनाए हैं। हमारे जो वोट पड़ रहे हैं इन दो जगहों पर पड़ते हैं, तो हर एक जगह के दो दो बीएलओ यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास चीजें सामने आ गई कि कौन कौन है, ठीक है। मोहित शर्मा जी हैं, उत्पाल सिंह हैं, अनुप कुमार हैं, ये भी बीएलओ हैं हमारे। और साथ ही साथ दूसरे वाले जो हैं वो जो ये दूसरी वाली मैंने सर्च किए, यहाँ पर इनसे मेरा संपर्क हुआ था, इन्होंने मुझे जानकारी दी है कि साहब ऐसे ऐसी ये लिस्ट मैंने तैयार की थी। अच्छा, आपका जो वोट आया होगा किसी का भी, आपको पता होगा कि आपका वोट कहाँ पड़ता है, उसके अनुसार आप अपना
चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा बीएलओ कौन है। मान लीजिए खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज के अंदर किला कक्ष संख्या 1 का कौन बीएलओ है, तो ये जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। रामकिशोर जी हैं, उदयपाल जी हैं, तो जो भी आपका बीएलओ हैं उनका अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे आप अपनी पूरी वोट की जानकारी ले सकते हैं कि आपका वोट किसने काटा या फिर किस वजह से आपका वोट नहीं आ पाया है, तो वो जानकारी आपको पूरी दे देंगे। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो आप तहसील जाकर भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रही होगी, और इस टाइम लोगों को इसकी नीड है, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल इस टाइम इसलिए है क्योंकि लोगों के वोट बहुत ज्यादा काटे गए हैं और लोग परेशान हैं कि अब हम क्या करें, तो वो जानकारी कोई भी आपको नहीं दे पा रहा होगा। आप अपने वार्ड के मेंबर थे या फिर बीओले से संपर्क करने की कोशिश कर पा रहे होंगे, वो लोग सब बिजी हैं अपने अपने काम में क्योंकि इलेक्शन में सब लोग बिजी हैं, तो आप अपने आप भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके लिस्ट में नाम नहीं है तो आप जानकारी फिर उसके बाद प्राप्त करें, पहले आप अपने लिस्ट में अपना नाम देखें नाम है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों की हेल्प कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।